कोई नहीं सब्जी बेच रहे हैं, बाकी भाई सब के सब दुकान बंद है। खतरे में जो है लोगों का भीड़ रोड पे दिखाई देता था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे राजेंद्र नगर सब्जी मंडी, और इसके साथ हम लोग चलेंगे क्या, हाँ तो कंकड़बाग सब्जी मंडी, और देखेंगे कि इस लॉकडाउन कंटिन्यू में इसकी क्या हालत है। तो आइए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। और ये है मलाई पकड़ी चौक, और वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी घेर दिया गया है मेट्रो के लिए। सभी लोग जो है घर वापस लौट रहे हैं, टाइम हो चुका है लॉकडाउन का, 9:30 है, 10-11 बजे तक आपको जो है घर तक रिटर्न हो जाना है, नहीं तो पुलिस साहब डंडे देने शुरू कर देते हैं। और हम लोग जो है पहुँचे हैं राजेंद्र नगर सब्जी मंडी, और आप देखिए कि यहाँ पे जो सब्जी मंडी की हाल है क्या है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं सब्जी बिक रही है कहीं भी? और ये 9:30 बजे का समय है, जबकि 11 बजे तक समय है आपका सब्जी बेचने का, और जो खाली करवा दिया गया है और कोई नहीं सब्जी बेच रहे हैं। शाम में तो ऐसे भी बंद रहता है, और सुबह में भी देखिए क्या हाल होता हो गई है सब्जी मंडी की। जब सोच सकते हैं कि सुबह में ये हालत है तो शाम में क्या होगा। तो ये हमारा जो है राजेंद्र नगर सब्जी मंडी है। अब यहाँ से हम लोग जो है कंकड़बाग सब्जी मंडी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की क्या हालत हुई, वहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए चलते हैं कंकड़बाग सब्जी मंडी। रोड पे जो है जहाँ तहाँ जो है सब्जियाँ बिक रही है, और पर सब्जी मंडी में कोई भी सब्जी नहीं बेच रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह जो है बेच रहा है, उस गोलंबर से हटकर, यानी राजेंद्र नगर के जो डॉक्टर गोलंबर है उस गोलंबर से थोड़ा हटकर जो है बेच रहा है। और उस मंडी में देख रहे हैं कि कोई भी सब्जी वाला सब्जी अपना नहीं बेच रहा है। ये हालत हो गई है हमारी सब्जी मंडी की। देख रहे हैं कि कंकड़बाग का ये सीन है, और कंकड़बाग का ये पूरा जो है बंद है। यहाँ देखिए आदित्य विजन है, प्रातः यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रातः से 4:00 बजे तक, पिछले वाला बोर्ड लगा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ है, वो भी बंद किया हुआ है। बाकी भाई सब के सब दुकान बंद है। और जैसा कि नीतीश कुमार ने जो है आपका लॉकडाउन को कंटिन्यूसली कर दिया है, तो लोगों की परेशानियाँ तो बढ़ेगी, क्योंकि इस समय ऑफिस का टाइम था, ऑफिस के टाइम में जो है लोगों को भीड़ भारी मात्रा में जो है लोगों का भीड़ रोड पे दिखाई देता था, हर कोई भाग रहा था। पर ऐसा कोरोना वायरस का कहर टूटा कि लोगों को रोक दिया है, नहीं भैया आप कहाँ जाओगे, रहो घर पे रहो। और हम लोग पहुँच चुके हैं कंकड़बाग सब्जी मंडी, और ये कंकड़बाग गोलंबर है, और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं कंकड़बाग सब्जी मंडी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी की सारी दुकानें बंद है। चारों तरफ जो आपको दिख रहा होगा कि वो सब के सब जगह पे जो है दुकानें बंद हो चुकी है सब्जियों का, और काफ़ी जो है भीड़ रहता था यहाँ पर जो कि एकदम नहीं है, और सब्जियों के लिए जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। और आइए हम इसके अंदर तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे भी देखिए कि पूरा के पूरा खाली हो गया है, कहीं भी जो है सब्जी वब्जी का दुकान बहुत एकदम कम गया है, सभी है सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा सब्जी मंडी है, जो 4-5 को जो है 2-4-5 को जो है ठेला पे जो है बेच रहा है, यही है सब्जी मंडी का हालत। पटना के जो है सब्जी मंडी का ये हालत हो चुकी है, यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यही सुनकर गाड़ी ही पे अब सुबह 6 बजे पूर्वाह्न से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।